नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, दोनों ट्रेलर आपने देखे, सिंघम अगेन का ट्रेलर भी आपने देखा, बुलबुले 3 का ट्रेलर भी आपने देखा। कौन सा ट्रेलर आपको ज्यादा पसंद आया, इसके बारे में आज का वीडियो है। तो आप तो अपनी पसंद बताएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखिए दोस्तों, मुझे तो दोनों ही ट्रेलर अच्छे लगे। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ये ट्रेलर बुरा था, ये ट्रेलर ज्यादा अच्छा था, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। क्योंकि दोनों ही फिल्मों का जो जोनर है, जो कंटेंट है, वो बिल्कुल अलग है। जहां पे सिंघम अगेन है, वो बिल्कुल एक एक्शन एक्शन से भरपूर एक पेट्रियोटिक मूवी आप कह सकते हैं, जिसको जिसमें रामायण का भी तड़का है, रामायण को भी रामायण से भी रिलेटेड किया गया इस फिल्म को। तो उसमें ड्रामा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी सब कुछ होने वाला, आपको जबरदस्त एक्शन देखने वाला, कॉप ड्रामा है, मतलब ये बहुत बड़ा। वहीं दोस्तों, अगर अपन बुलबुले 3 की बात करें, तो ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। जो मतलब जो इसके पहले पार्ट है वो हिट हो चुके हैं ऑलरेडी, दो पार्ट आए वो दोनों हिट हो चुके हैं। तो दोनों के ट्रेलर की वजह से ज्यादा कंपेयर मुझे नहीं लगता कि किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों का जोनर अलग है। अगर दोनों का जोनर एक होता तो फिर अपन कंपेयर करने की सोच सकते थे, लेकिन फिर भी चूंकि सभी लोग करेंगे तो मैं भी मैंने सोचा चलो मैं भी बात करता हूँ इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि सिंघम अगेन का ट्रेलर तो बहुत ही ज्यादा फाड़ू किस्म का था, बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही जानदार था, डेंजर था, जबरदस्त था। हालांकि एक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी हेल्थ फैलाने की कोशिश की कि ट्रेलर बकवास था, कुछ भी लड़ने नहीं है, अर्जुन कपूर को क्यों लिया, उनके साथ लड़ने इतने लोग जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब इन्होंने एक हेड फैलाने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद ट्रेलर को जिस प्रकार के व्यूज मिले हैं, 10 मिलियन से ज्यादा, 1 मिलियन से ज्यादा जिस प्रकार के लाइक्स मिले हैं, तो उससे डेफिनेटली ये कन्फर्म है कि ट्रेलर लोगों को पसंद आया है। इसमें कोई डाउट वाली बात अपन नहीं कह सकते। और काफी जबरदस्त है, जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलते, जबरदस्त विजुअल्स आपको देखने को मिले, जबरदस्त डायलॉग्स आपको देखने को मिले, शानदार बीजीएम, शानदार म्यूजिक, और क्या मतलब एक रामायण से जिस प्रकार से फिल्म को मतलब एक तरीके से मतलब प्रेरित किया गया है, तो वो सब कुछ मतलब गूंज देने वाले, सीटियां मारने वाले, तालियां पीटने वाले, एक बड़ा ही जबरदस्त मतलब एक माहौल, एक बिल्कुल प्योर एंटरटेनिंग, मतलब मास एंटरटेनिंग एक ट्रेलर आपको नजर आता है। ये तो बड़ा जबरदस्त ट्रेलर मुझे लगा। और एक्टर कुछ भी बोले, लेकिन ये ट्रेलर ब्लॉकबस्टर और फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, मैं आपको अभी बता दूं। जहां तक बात करें बुलबुले 3 का, तो इसका ट्रेलर भी काफी जबरदस्त है, मतलब ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी जरूर थी जो आपको रिपीटेड लगेगी, मतलब ऐसा लगेगा कि अपन कहीं बुलबुले 3 का फर्स्ट पार्ट तो नहीं देख रहे। मंजुलिका के जो एक्सप्रेशन है, उनका जो रोल है, उनका जो अंदाज है, वो बिल्कुल सेम वैसा वैसा नजर आता है, कुछ ज्यादा चेंजिंग यहाँ पे नजर आई नहीं है। हालांकि स्टारकास्ट में माधुरी दीक्षित नई एंट्री है, तृप्ति दम्भीर नई एंट्री है, लेकिन अक्षय सर की कमी यहाँ पे मुझे जरूर कम से कम खली, डेफिनेटली वो होते तो कुछ बात और होती। हालांकि कार्तिक आर्यन को भी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं, नहीं कर रहा हूँ, बुरा एक्टर नहीं बोल रहा हूँ, काफी अच्छे एक्टर, काफी अच्छी एक्टिंग उनकी रूह बाबा के रोल में देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी मतलब, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल अपन देखे तो म्यूजिक अच्छा लग रहा है, बीजीएम शानदार है, ट्रेलर के कोई कुछ दृश्य डराने में कामयाब है और कई दृश्य हंसाने में भी कामयाब रहे हैं, तो ये ट्रेलर भी जबरदस्त है। लेकिन एज, जहां तक एज की बात करें कि अपन जैसे मैं 60-40% बोलूंगा, 60% सिंघम को दूंगा मैं ट्रेलर के मामले में, 40% मैं बुलबुले 3 को दूंगा। मतलब मेरे हिसाब से सिंघम अगेन का जो ट्रेलर है वो ज्यादा बेटर रहा है बुलबुले 3 से। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बुलबुले 3 का ट्रेलर कमजोर है, ज्यादा फर्क नहीं है। 60-40 मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर वो 60% है तो 40% है, 50-50 मैं नहीं बोलूंगा, दोनों को बिल्कुल इक्वल नहीं रखूंगा। लेकिन बुलबुले 3 का ट्रेलर भी निराश नहीं करता, इतना मैं जरूर कहूंगा। हालांकि कई लोगों ने इसके भी रोस्टेड रिव्यूज दिए, कई लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आया और कई लोगों ने बहुत जबरदस्त बताया, राय बटी हुई है क्रिटिक्स की भी, कईयों ने तो बहुत ज्यादा मतलब रोस्ट किया इसको कि कोई मतलब नहीं है, कोई बेकार है, बिल्कुल ही दम नहीं है, कुछ ऐसी नहीं है, कुछ डर नहीं लगा, इस तरह के रिव्यूज भी मैंने देखे है फटे। खैर, सबकी अपनी अपनी राय होती है, मुझे कुल मिलाकर के ट्रेलर से कोई ज्यादा शिकायत नहीं, कुल मिलाकर के ट्रेलर अच्छा है, लेकिन सिंघम के मुकाबले का नहीं है, ये मैं फिर से कहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलना।